विद्यार्थी मित्रों पेपर सेट नंबर टू प्रश्न नंबर 45 त्रण गुणनो प्रश्न छे। दिव्यांगों ने मळती विशिष्ट सवलतो। दिव्यांग विद्यार्थियों ने केवी केवी सुविधाओ आपवामां आवे छे। आपणे एसएससी बोर्ड नी परीक्षा ने ध्यान में लईने सवलतो लखवानी छे। तो ए सवलतो में आपणे पहला तो एनी सामान्य सवलतो नी वात करिए। तो सौथी पहला तो बोर्ड नी परीक्षा नुं जे सेंटर छे त्यां सुधी पहोंचवा माटे वाहन नी एना माटेनी फेसिलिटी तो गवर्नमेंटे आपेली होय। ए सिवाय एने त्यां सेंटर नी अंदर पण वर्गखंड में पहोंचाडवा माटे क्यांक ने क्यांक रेम्प अने एनी उपर व्हीलचेर, अहींया जो व्हीलचेर आपेली छे बराबर, एक प्रकार की खुर्शी के एना उपर बेसी ने अहीं आपेलो छे रेम्प छे। मीन्स के ए सरळताथी आपणी जेम सीढ़ी न चढ़ी सकता एटले आना रेम्प उपरथी एने चढ़ावी शकाय। एक बीजा फोटोग्राफ में अहीं एक दिव्यांग विद्यार्थी छे के जेनी साथे एक अन्य विद्यार्थी लखाय छे, एनू लखाण लखे छे एटले एने लहियो कहेवामां आवे छे। मीन्स के आपणे जेने राइटर कहेवाय बराबर। तो ए दिव्यांग विद्यार्थी ने बोर्ड तरफ थी राइटर नी परमिशन लेवानी होय छे, नी परमिशन आपे छे बोर्ड। पछी थी एनी साथे एनाथी नीचू धोरण भणतो, माने के 10मानी एग्जाम आपे छे नी 8मा धोरणना विद्यार्थी ने के 9मा धोरण सुधीना विद्यार्थी ने पोताना राइटर तरीके नाम नॉमिनेट करी शके छे, नाम नोंधावी शके छे अने एने बोर्ड मंजूरी आपे छे। पछी ए परीक्षामां ए राइटर तरीके ए व्यक्ति एनी परीक्षा भरी शके। आ बोर्ड नी फेसिलिटीओ, एनी साथे अन्य केटलीक फेसिलिटीओ पण बोर्ड आपे छे जोईए। तो बोर्ड नी अंदर सौ प्रथम आ विद्यार्थियों माटे कई फेसिलिटीओ छे एनी वात करवी छे आपणे। तो नंबर एक के भाई बोर्ड नी परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों ने 20x पास सामान्य विद्यार्थियों करता त्रीस मिनिट नो वधु समय, मतलब के तमारा पेपर नी माटे तमने बोर्ड 3 कलाक आपे छे, तो आने छे बोर्ड 3.5 कलाक पेपर भरवा माटे आपे छे। योग्य वर्गखंड व्यवस्था, ग्राउंड फ्लोर पर बैठक व्यवस्था, चोक्कस पाटलीओ अथवा तो खुर्शीओनी व्यवस्था, एमना माटे योग्य शौचालय सुविधा, क्यांक ने क्यांक ब्रेइल लिपि में पेपर, आपणने ख्याल છે કે ભાઈ જે વિદ્યાર્થી જોઈ ન શકતો એના માટે ઉપસેલા શબ્દોની એક લિપિ હોય છે એને બ્રેલ લિપિ કહેવાય, ના પેપર અપાય છે બરોબર। કેટલી બધી ફેસિલિટી છે કે ભાઈ એને 20x પાસ કરી દેવામાં આવે, 30 મિનિટ વધુ સમય આપવામાં આવે, યોગ્ય વર્ગખંડ વ્યવસ્થા આપવામાં આવે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર બેઠક વ્યવસ્થા આપવાની, ચોક્કસ પાટલીઓ અને ખુરશીઓ આપવાની, શૌચાલયની સુવિધા આપવાની, અને રેમ્પ વાળો રસ્તો જેમાં કોઈ અડચણ ના થાય, અડચણ વગરનો રેમ્પ વાળો રસ્તો, અહીંયા રેમ્પ બતાવ્યો હતો આપણે તમને। આ પ્રકારની બોર્ડ એમને સુવિધા આપશે કે ભાઈ જો એ દિવ્યાંગ છે તો એ વિદ્યાર્થી માટે અલગ ઓરડામાં એની બેઠક વ્યવસ્થા, એને રાઇટરની જરૂર હોય તો રાઇટરની સુવિધા, એને અન્ય કોઈ ફેસિલિટીની જરૂર હોય તો એ પ્રકારે, શૌચાલયની સુવિધાની જરૂર હોય તો એ પ્રકારે શૌચાલય એમના માટે અલગ રાખવામાં આવશે, રેમ્પ અલગ રાખવામાં આવશે બરાબર। અહીંયા આપણે 3 ગુણના પ્રશ્ન માટે આટલા મુદ્દા ઇનફ છે।